और यहाँ पे बिल्ली भी घूम रही है, देखो फूड एंड बेवरेजेस के काउंटर्स। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है पेड़ भी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कतर। और आज मैं एक ऐसी कमाल की जगह जा रहा हूँ जो कि शायद आपने ना सुनी होगी ना देखी होगी। आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि मैं भी पहली बार जा रहा हूँ उस जगह पे देखने के लिए, और वो एक ऐसी कमाल की जगह की कतर में भी पहली बार ओपन हुई है वो। तो करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू, और जाने से पहले मैं थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेता हूँ। तो मैं ऑलरेडी दुकान से ले आया हूँ चाय भी नाश्ता भी, उसके चाय पीने के बाद अब चलते हैं हम इंशाल्लाह वहाँ नाश्ता करके, और फिर दिखाते हैं आपको वो जगह। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। काफ़ी टाइम लग गया हमें, थोड़ा सा रास्ते में जाम भी लगा हुआ था एक जगह को, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू, और अभी चलते हैं हम इसमें अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर से इसको। काफ़ी खूबसूरत डेस्टिनेशन है, काफ़ी प्यारी जगह है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और भाई हमें सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया है कैमरे से वीडियो बनाने से, तो इसलिए हम वापस जो है अपना कैमरा कार में रख के आए हैं। और गाइस अभी हम चल रहे हैं पार्क की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे प्ले एरिया, एक्सरसाइज एरिया, फिटनेस देखेंगे, और सबसे पहले हमें मिल गया है ड्रिंकिंग वाटर एरिया। ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, उसके ठीक बराबर में बना हुआ है एक्सरसाइज एरिया जो कि हर एज के लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। जैसे ये है, ये व्हील चलाने वाला है, और ऐसे इस तरफ ये बने हुए हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और गाइस ये है इसका एयर कंडीशनर टनल जो कि ट्रैक वॉकिंग एंड रनिंग के लिए बनाया हुआ है। अभी इसमें चलते हैं अंदर, जो कि इसका मेन अट्रैक्शन है, और इसमें एसीज लगी हुई है यहाँ पे। और ये देखो कैट, यहाँ पे इसमें एसी लगी हुई है जो कि चिल कर रही है इसको, और यहाँ पे बिल्ली भी घूम रही है देखो। और इसके अंदर जो है ना टू किड्स प्ले एरिया है, अभी हाल फिलहाल में ये बंद कर रखे हैं शायद मेंटेनेंस की वजह से या किसी कारण से, ये जो है ना बंद कर रखे हैं। अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है इसमें, और शायद हमने आने का दिन गलत चूज़ किया है। ये देखो इसमें एंट्रेंस के लिए लिखा हुआ अभी नो एंट्री, अभी शायद मेंटेनेंस का काम चल रहा है इसमें। और ये देख सकते हो आप कितना खूबसूरत टनल बना हुआ है, मतलब वॉकिंग करने के लिए आप जो है ना एयर कंडीशनर में मतलब रहते हुए वॉकिंग करोगे। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। कितनी प्यारी कैट है। अभी चल रहा हूँ मैं थोड़ा सा इधर को,
देखते हैं आगे चल के और क्या है इसमें। काफ़ी प्यारा पार्क है ये, वैसे मार्किंग भी की गई है यहाँ पे, 250 मीटर हो गया है। अभी थोड़ा सा मैं आगे को चलता हूँ, ये बीच बीच में जो है ना ये ओपन कर रखा है क्योंकि ये साइकिलिंग के लिए है बनाया हुआ, पूरा टनल ऐसे बंद नहीं है। और चेयर भी देखोगे आप यहाँ पे बैठने के लिए, सीटें कितनी प्यारी बना रखी हैं, ये देखो कितनी प्यारी सीटें बना रखी हैं यहाँ पे। ये पूरा ऐसा ही है, इस तरफ बड़े हुए हैं इसमें फूड एंड बेवरेजेस के काउंटर्स, 7-Eleven, ला पाल्मा कैफे, और इस तरफ बने हुए मेल्स के टॉयलेट। क्या बढ़िया था गुरु। और गाइज ये है फैमिली को लेके बैठने के लिए लाउन बना हुआ, यहाँ पे फैमिली को लेके बैठ सकते हैं। यहाँ पे इतनी सारी चेयर लगा रखी है, ये बच्चों का थोड़ा खेलने जैसा है जाए ना, ये भी बना रखा है हिल्स जैसा, काफ़ी प्यारा लग रहा है ये। और ये इस तरफ देखो सीटें कितनी प्यारी लग रही हैं, इस तरफ बना रखी है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है पेड़ भी, हालांकि गर्मी इतनी हो रही है यहाँ बाहर कि पूछो भी हो। ये इसके पार्क के चारों तरफ ऐसे टनल बना हुआ है, बीच बीच में ये इस तरह सीटें लगी हुई है, और ठीक पीछे देखोगे आप वहाँ पे टॉयलेट्स है, ये प्रेयर रूम है, और ये लॉन है यहाँ पे जिसमें बैठ सकते हैं बच्चों के साथ। और इस तरफ जो है ना कैफेटेरियाज बने हुए हैं, यहाँ पे फूड एंड अपने बेवरेजेस लोग खरीद सकते हैं। अभी बंद है, मुझे लगता है शाम को ओपन होंगे। अभी चलते हैं थोड़ा दूसरी तरफ को, वहाँ देखते हैं और क्या है। और गाइज ये ऊपर लगे हुए हैं इसके सोलर पैनल्स, जाली के ठीक ऊपर दिख भी रहा होगा, जिनकी मैं बात कर रहा था वही है सोलर पैनल्स, जो कि इसको जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इसके लिए। और ये टनल देखो कितना प्यारा है, सबसे कमाल का जो मुझे लगा है ये टनल ही लगा है। था मेरा आज का वीडियो अलगरफा पार्क के बारे में, जो कि एयर कंडीशनर पार्क है। और इसके बारे में बता दूं, अंदर जो है ना इसमें वीडियोग्राफी कैमरे से अलाउ नहीं है, फ़ोन से जो है ना आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हो, और कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जैसे सेल्फी स्टिक या जो भी मीडिया से रिलेटेड है ऐसा कोई भी जो है ना इक्विपमेंट एसेसरी अलाउ नहीं है। तो फिर मुझे वापस जो है ना जाके कैमरा वैमरा सब गाड़ी में रखना पड़ा, और मैंने जो है ना फिर मोबाइल से बनाई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ओ चूना लगा दिया।